26 जुलाई को आना एट दी कारगिल वॉर मेमोरियल, अ परफेक्ट रेसिपी फॉर इमोशंस। ये हैं किरण, ये हैं सचिन, मैं हूँ बनी, एंड वी आर एट दी कारगिल वॉर मेमोरियल बिटवीन द्रास एंड कारगिल। और यहाँ पे हम कैसे आए, किस रूट से आए, कैसा एडवेंचर रहा, कौन सी बाइक्स थी, वेल शुरू करते हैं ये एपिक वन ऑफ इट्स काइंड वीडियो। आपने काफी मोटरसाइकिल ट्रैवल वीडियोस देखे होंगे, बट दिस वन प्रॉमिसेस टू बी डिफरेंट। ये वीडियो आपको ऑफर करेगा नेक्स्ट लेवल ऑफ एडवेंचर, सीनिक व्यूज जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, एंड चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस। सो यू कैन सी द वेदर हैज टर्न्ड वेरी बैड एट दिस ऑल्टीट्यूड, हेलस्टॉर्म हो रहा है। बट एट द सेम टाइम हम तीन राइडर्स ने यामाहा की तीन एवरीडे मोटरसाइकिल्स पे दिल्ली से लद्दाख का सफर सक्सेसफुली कवर किया, एंड विद एपिक मोमेंट्स ऑन द वे। सो ऑल सेट टू लीव। गर्मी एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो ट्रैफिक में से निकलते हैं। इट्स क्वाइट लेट एज वेल। इमीडिएटली हाईवे जॉइन करेंगे एंड वहां से जाके टूवर्ड्स NH1 फॉर अ फूड ब्रेक, मच नीडेड फूड ब्रेक। तो मैंने शुरुआत करी है विद द FZX। नाउ दिस इज वन मोटरसाइकिल इन द सेगमेंट जो मैं वेट कर रहा था टू राइड इट एवर सिंस इट गॉट लॉन्च्ड। इंटरेस्टिंगली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रैफिक, एज यू कैन सी वी आर इन अ रशी एरिया ऑफ दिल्ली, एंड लेट मी ओवरटेक दिस। हाँ, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है, बट द टॉर्क, द गियरिंग, दैट मैटर्स। आराम से मैं स्लो मूविंग ट्रैफिक को ओवरटेक कर पा रहा हूँ। सो ये जो उसकी जो गियरिंग है, जो टॉर्क है, वेरी हेल्पफुल फॉर सच सिचुएशंस। आई एम श्योर सेम टॉर्क हमें पहाड़ों के अंदर भी हेल्प आने वाला है। डोंट नीड टू डाउनशिफ्ट टू मच। आवाज़ अच्छी है, द एग्जॉस्ट नोट इज रियली गुड फॉर अ 150 सीसी बाइक, तो दिस इज वन मोर एडेड एडवांटेज। अपराइट सीटिंग पोस्चर, तो सो फॉर ऑल द एलिमेंट्स जो मुझे चाहिए हैं इन अ मोटरसाइकिल ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ दिस प्राइस। सचिन एंड किरण आर ऑन द अदर टू मोटरसाइकिल्स, एंड यहाँ से अराउंड आधे घंटे में हाईवे आ जाना चाहिए। वहाँ पे वी विल लेट द मोटरसाइकिल्स स्ट्रेच देयर लेग्स एंड देन टुवर्ड्स हरियाणा एंड पंजाब। तो 22 किलोमीटर्स के बाद हम यहाँ पे एक्सप्रेसवे अराउंड डेरी चढ़ रहे हैं। फाइनली थोड़ी फोल इनकी राहत मिलेगी, ट्रैफिक टिल नाउ वाज अ मेस। यहाँ से वी विल लेट द बाइक्स एंजॉय द ओपन रोड्स एंड देन गेट डाउन टुवर्ड्स मूरथल, फिर पानीपत, फिर करनाल, अम्बाला एंड सो ऑन। थैंकफुली सन थोड़ा कम हो गया, देर आर क्लाउड्स अराउंड, वेरी एसेंशियल फॉर अ गुड फटीक पी राइड। टाइम का मुझे पता नहीं है बिकॉज माई वॉच इज इन द जैकेट स्लीव राइट नाउ, बट आई थिंक शायद 3 बज चुके हैं। जो नाइट डेस्टिनेशन था ओरिजिनल मेरा, वो था जलंधर दिल्ली से अराउंड 360 किलोमीटर्स। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली अभी बचा है वो 315। लंच स्पॉट पे वी विल डिसाइड व्हाट टू डू, शायद नाइट राइडिंग करनी पड़ेगी। बट तीनों मोटरसाइकिल्स की जो लाइट्स हैं, आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम श्योर लाइट्स आर नाइस। हाईवे भी 4 लेन है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स स्काउट फॉर अ गुड सेफ हाइजीनिक प्लेस फॉर टेस्टी लंच। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज लेट निकले, ट्रैफिक थी, बट नाउ वी आर एंजॉयिंग द मोटरसाइकिल्स। वी वर कंफर्टेबली मंचिंग अप माइल्स, एंड ऑल्दो ट्रैफिक एंड सम डाइवर्जन जरूर थे, 3 ऑफ अस वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द राइड अहेड। मूरथल के बाद एक क्विक ब्रेक फॉर लंच। FZ25, FZX and FZS. So, हमारे पास है दो 150 सीसी की बाइक्स, एक 250 सीसी वाली बाइक। मैंने यहाँ पे चलाई थी टू पानीपत दी FZX, वेरी इंप्रेस्ड विद दी अपराइट सीटिंग पोस्चर एंड द गुड सीट। खाना खा चुके हैं, बहुत लेट हो चुके हैं, इट्स 4:20 राइट नाउ। यहाँ से जाएंगे नॉन स्टॉप बियॉन्ड अम्बाला टू राजपुरा फॉर आर नेक्स्ट ब्रेक।
रात की ड्राइविंग होने वाली है, बट दीज बाइक्स डू हैव गुड लाइट्स, सो यहाँ से नॉन स्टॉप हाईवे पे क्रूज करेंगे पांचवें गियर के अंदर यामाहा बाइक्स के ऊपर। मूथल के बाद रोड्स वर जनरली गुड एंड आई वाज बिगनिंग टू एंजॉय दिस 250cc मशीन। सो लंच के बाद मैंने स्विच कराया टू द FZ25। इसे 2021 के अंदर एक मैसिव प्राइस कट मिला था, बिकॉज ऑफ विच इन द 250cc सेगमेंट ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बन चुकी है, एंड देर इज़ नो रीज़न वाई आई विल नॉट रिकमेंड दी FZ25। चाहे आपको सिटी टूल चाहिए, चाहे आपको हाईवे टूल चाहिए, रियली अ कमेंडेबल मोटरसाइकिल, दिखती फैबुलस है, फैबुलस, द डिज़ाइन इज़ वाओ। एंड कई लोग कहते हैं कि इसकी पावर एंड टॉर्क इज़ लो एज कम्पेयर टू सम ऑफ द कॉम्पिटिशन, सिक्स स्पीड गेयरबॉक्स नहीं है, बट गाइस जब इसका पांचवा गियर का जो रेशियोज इतने अच्छे हैं, देन कई बार आपको सिक्स गियर नहीं चाहिए होता। एंड पावर एंड टॉर्क के बारे में बात करें तो लो एंड इसका बहुत ही अच्छा है, लो एंड परफॉर्मेंस जो आपको चाहिए होती है, ज़्यादा डाउनशिफ्ट नहीं करना पड़ता, लो एंड टॉर्क होता है, वो चीज़ इसकी बहुत ही अच्छी है, दैट्स अ प्लस पॉइंट। एंड हाई यूसेज पे इट इज़ गुड, आई विल जस्ट शो इट टू यू। पिक्स अप स्पीड्स रियली नाइसली, एंड अगर आप पांचवें गियर के अंदर हैं तो 4000 RPM पे अप्रॉक्सीमेटली 63-64 है। लेट दी जस्ट रोड क्लियर अप एंड शो यू दी RPM एट हायर स्पीड। सो पांचवें गियर के अंदर अगर आप 5000 RPM पे हैं तो यू आर एट अप्रॉक्सीमेटली 77-78, एंड अगर हायर भी जाते हैं तो टूवर्ड्स द 90 मार्क, विच इज़ वेरी मच द क्रूजिंग स्पीड्स दीज डेज ऑन गुड रोड्स। तो 90 पे जाके यू आर स्टिल अंडर 6000 RPM, सो दिस इज गुड, दिस इज अ गुड गुड मोटरसाइकिल फॉर बोथ सिटी नीड्स एज वेल एज ओपन हाईवे। सॉरी, अग्रेसिव सिटिंग पोस्टर जरूर है, बट अग्रेशन कई बार अच्छी होती है विदाउट बीइंग टू मच अनकंफर्टेबल। मूर्थल से राजपुरा वॉज अप्रोक्सीमेटली 180 किलोमीटर्स, एंड गिवन द बाइक्स एंड गुड रोड्स हमारी राइडिंग पेस क्विक थी, बट सून द सन स्टार्टेड सेटिंग ऑन आवर लेफ्ट। शाम की राइड हमेशा ब्यूटीफुल रहती है, एंड द सेम हैपेंड टुडे एज वेल। सो हमने राजपुरा पे एक ब्रेक ली थी, इट हैज बिकम डार्क नाउ। लास्ट के जो दो घंटे हैं 140 किलोमीटर्स टू जलंधर हम डार्क में करेंगे, बट या बाइक्स हैव गुड लाइट्स विच वी विल शो यू इन द वीडियो एज वेल। तो आज का दिन थोड़ा टफ था, लेट शुरू करा था, ट्रैफिक थी दिल्ली की, अभी अंधेरा हो गया है, बट कल से हमारा मेन एक्शन शुरू होने वाला है। उस एक्शन में क्या क्या है, वेल गाइस आपके सामने आ रहा है राइट अवे। द लास्ट 140 किलोमीटर्स टू जलंधर वर डन इन द डार्क। फर्स्ट डे पे डेस्टिनेशन तक पुश करना इम्पॉर्टेंट होता है, सो दैट द नेक्स्ट फ्यू डेज आर इजी। एंड फॉर अस, वेल देखते रहिए इस वीडियो को। डे नंबर टू पे वी वोक अप फ्रेश, फुल ऑफ एनर्जी एंड अ स्माइल ऑन आवर फेसेस। बाइक से मिले, गियर अप हुए, इनफ वाटर इंटेक किया, एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। थैंकफुली आवर नाइट हॉल्ट रिजॉर्ट was bang on the highway. Yamaha ki FZ series ne time and again new benchmarks create kiye hain in the segment. 150cc mein aapko milti hai the normal FZ, then the FZS and the newly launched FZX. 250cc mein aapko milti hai FZ25 and the FZS25. For the ride, हमारे पास थी दी FZS, दी FZX एंड दी FZS25, a perfect triple combination. जलंधर से निकल के वी रीच दी आउटस्कर्ट्स ऑफ अमृतसर एंड इमीडिएटली यूज दी बाईपास टू गेट अराउंड द टाउन। द लास्ट 10-15 किलोमीटर्स टू वाघा बॉर्डर आर स्मूथ, पीसफुल एंड फास्ट, ग्रीनरी अराउंड एंड स्मूथ रोड्स का साथ। डे टू की जर्नी वॉज बिकमिंग वेरी गुड इंडीड। Finally, we reached the last point. COVID ke wajah se entry for civilians was closed, but thankfully
वी हैड अ फ्यू फ्रेंड्स हु हेल्प्ड अस आउट। एक्चुअली मैंने कहीं फ़ोन कराया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ बात करना जीरो पॉइंट पे जाके, जो हम तीन लोग आए थे। अब पता नहीं उन्होंने कहाँ फ़ोन कराया, बनी पुनिया, सचिन देसाई, किरण सिंह। हमने प्रायर परमिशन ली हुई थी एंड आफ्टर अ कपल ऑफ चेक्स वी वर फाइनली अलाउड इनसाइड, द ओनली पीपल एट दैट टाइम एट दैट लोकेशन। सो दिस इज इट, द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर राइट ओवर देयर 1 किलोमीटर। द प्लेस इज क्लोज बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस, बट we got permissions and 3 Yamaha FZ series motorcycles going to that last point. I have goosebumps on my shoulders. This is wow. This is a good way to start the ride. Really good. That is the place जहाँ पे सेरेमनी होती थी बिफोर दी कोविड हिट अस। अभी बिकॉज ऑफ कोविड सेशंस बंद है, थोड़ा वर्क भी इन प्रोग्रेस है। बाइक्स हमने छोड़ दी हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, हेलमेट को मैं बाहर रख दूंगा और फिर मैं, सचिन एंड किरण जाएंगे टू दैट लवली एरिया जहाँ पे शायद एक अलग से फीलिंग आती है। I have no words. है वो जगह जहाँ पे नॉर्मल टाइम्स के अंदर हम सब बैठते हैं, वी इंडियंस सिट हियर, वी चेयर फॉर आवर कंट्री। अभी कोविड टाइम्स अनफॉर्चुनेटली तो ये बंद है, बट वी वर लकी, द बाइक्स वर लकी, वी केम इन द ओनली वंस। उस तरफ दिखाते हैं क्या है, द बॉर्डर इज देयर। कुछ इंडियंस को आई थिंक वहाँ से आज आने की परमिशन है, इंडियंस आर कमिंग दिस साइड। वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर एवरी वन, यू कैन सी उनके पासपोर्ट चेक हुए हैं, द कमिंग हियर। देखते हैं इफ यू कैन शूट देम आर नॉट, अदरवाइज यहाँ से विल डू अ टर्न एंड गो टू वर्ड्स पठानकोट एंड जम्मू। Green farms on either side of the highway. So Atari border से निकल गए हैं। जम्मू का plan है, जम्मू approximately 240 किलोमीटर है यहाँ से। The road should be 4-lane all the way, जितना मुझे याद है from my last experience. So it's going to be a fast ride. एक break देंगे, we are just taking breaks to remain hydrated. काफ़ी fluids पी रहे हैं, we haven't had lunch. बिकॉज खाना खा के आपको थोड़ी नींद आती है, तो फिलहाल ऑन फ्लूइड्स एंड शाम की तरफ जाते हुए मे बी विल टेक अ ब्रेक फॉर सम स्नैक्स, सम लाइट स्नैक्स, विच इज़ द राइट वे टू गो जब आप टूरिंग कर रहे होते हैं। कीप इट लाइट, हेल्प्स यू टू रिमेन ऑलवेज अटेंटिव ऑन द रोड। और नाउ आगे थोड़ा मिराज बन रहा है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी ऑन द कैमरा, बट थोड़ा आगे मिराज बन रहा है। बारिश कुछ देर पहले हुई थी, अभी चली गई है, बट लुक एट दिस फार्म्स, लश ग्रीन फार्म्स, साडा पिंड, हमारा पंजाब। एंड आज हम एंटर करेंगे JNK, जम्मू एंड कश्मीर एट लखनपुर बॉर्डर। आज भी मेरे पास FZ25 है और कल मैं स्विच ओवर करूँगा टू दी अदर टू बाइक्स, शायद FZX जो अभी सचिन चला रहे हैं या FZS जो अभी किरण चला रही हैं। बट आई एम इन लव विद दिस बाइक, अपनी कैटेगरी के अंदर कंफर्ट लेवल्स, पंचीनेस, स्मूथनेस, लो एंड टॉर्क, आवाज एंड वैल्यू, FZ25, वाओ। इसके बाद व्हाट फॉलोड वाज अ लॉन्ग बट अ फास्ट राइड टुवर्ड्स द पंजाब एंड JNK बॉर्डर। द बाइक्स केप्ट ऑन परफॉर्मिंग रियली वेल एंड द व्यूज अराउंड वर ग्रीन एंड लश ग्रीन। बीच में एक लंच ब्रेक तो बनती ही थी एंड टू एस्केप फ्रॉम द यूजुअल जुलाई हीट वी गॉट दिस मच नीडेड फूड कोर्ट ऑन द मेन हाईवे। एंड फाइनली हम पहुंचे ऑन द लखनपुर बॉर्डर एरिया। टू एंटर JNK आपको कोविड रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, एल्स ऑन द स्पॉट रैपिड टेस्टिंग। तो अभी हम लखनपुर बॉर्डर पे हैं, JNK बॉर्डर, द रिपोर्ट्स आर बीइंग चेक्ड। तो हमारा तो हो रखा था, वी आर ऑन अ वे, नेटवर्क वॉज ओके, सो वी मैनेज टू स्कैन इट। निकलते हैं यहाँ से टूवर्ड्स जम्मू। सचिन किरण वहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, लेट्स गियर अप। तो ट्रक ट्रैफिक इज कॉमन इन दिस पार्ट, लखनपुर बॉर्डर बहुत ही बिजी बॉर्डर रहता है।
done with the formalities. Let's fly to Jammu. So Jammu 90 है, उधमपुर 135 and श्रीनगर 380. But श्रीनगर का 380 कम हो चुका है because of the Banihal tunnel. कल रात को पहुंचेंगे हम श्रीनगर and कहाँ stay करेंगे? Well, let's see. And कल का adventure is gonna be the real first adventure of this trip. You can make out आसपास greenery बहुत बढ़ चुकी है and it's quite nice in terms of sky as well. Roughly 6:15, 6:30 हो चुके हैं. Sun will start setting in a while and today I want to bring you those sunset views, sunset hues also in the sky जो colors change होते हैं. कल दिखा नहीं पाया था but आज definitely because moisture भी है हवा के अंदर, I think अच्छे colors निकलने चाहिए. बाइक्स में आज क्विक सर्विस भी कराएंगे टू द वर्कशॉप इन जम्मू, ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर वो आज करेंगे एंड देन वी आर सेट फॉर अ वीक अहेड. तो आज की 375 किलोमीटर की राइड खत्म हुई एट जम्मू. डे नंबर 3 वेल शुरू करते हैं. सो कल डे नंबर 2 था एंड आई थॉट इनिशियली कि इट कुड बी बोरिंग बिकॉज पहाड़ नहीं थे. हम जलंधर से गए थे टुवर्ड्स जम्मू बट दी हाईलाइट ऑफ द ट्रिप जिसने हमारी ट्रिप को एक अच्छी इतनी अच्छी शुरुआत दी वॉज दी विजिट टू द अटारी बॉर्डर. कोविड की वजह से बंद है बट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ वी गॉट दी परमिशन थैंक्स टू अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स एंड BSF ने अलाउ करा टू गो टू द लास्ट पॉइंट जहाँ पे गेट के उस पार पाकिस्तान था. कल मैंने टोटली SU25 को राइड किया था. मैंने आई हैड टू स्विच ओवर बट कि बाइक इतनी अच्छी है कि मैं स्विच ओवर नहीं करा तो इससे बहुत खुश हूँ. 35 प्लस की एवरेज आ रही है एट हायर स्पीड्स. मेरे बॉडी वेट के हिसाब से, बिल्ड के हिसाब से इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल. दिखती बहुत ही अच्छी है एंड कपल ऑफ क्लोज कॉल्स ब्रेकिंग तीनों बाइक्स की बहुत ही अच्छी. दिस इज वॉट यू पे फॉर. लोग बोलते हैं कि यार पैसा क्यों लेते हो इन चीज़ों के लिए. द काइंड ऑफ सेटअप, द काइंड ऑफ ब्रेक्स, द काइंड ऑफ सस्पेंशन यू रियलाइज ओनली व्हेन यू राइड द मोटरसाइकिल्स. कल शाम को जम्मू के अंदर रॉयल यामा पे हमने बाइक को सर्विस कराया था. बिग थैंक्स टू दोज गाइज, उन्होंने हमारे वेट किया था. आज निकलेंगे जम्मू से टूवर्ड श्रीनगर नॉन स्टॉप टू उधमपुर एंड वहाँ से ब्रेक्स लेंगे फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियो. मैं आज स्विच ऑफ करूँगा टू द बाइक जो मैंने चलाई नहीं है अभी तक, FZS. वो किरण चला रही है. बिफोर किरण कम्स इन मैं इस बाइक की चाबी ले लूँगा. सो आई विल बी ऑन दी FZS एंड देखते हैं व्हाट द बाइक्स विल बी राइडिंग बिटवीन सचिन एंड किरण. तो कल था डे 2 ऑफ आर राइड और कल बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग हीट थी. ऐसा बीच में तो लग रहा था सन स्ट्रोक हो गया है हम लोग को जब हम वाघा बॉर्डर गए थे. बहुत अच्छा वाला हमें वहाँ पर फील हुआ, घुसबम्स वाली फील थी. प्लस सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि हमारी जो बाइक है जो मैं FZS चला रही थी वो हीटअप नहीं हुई, क्योंकि हम लोग को लगा था कि बाइक थोड़ी रफ़ हो जाएगी लेकिन बाइक रफ़ नहीं हुई थी. इट परफॉर्म्ड रियली गुड. दूसरी चीज़ मुझे ये बोलना है कि आज बनी ने मेरी FZS चुरा ली है, छीन लिया है मुझसे और मैं आज चलाने वाली हूँ FZ25 जो ऑलरेडी मैंने स्पिति वैली में चलाई हुई है. एंड आई कांट वेट टू राइड दिस ब्लू ब्यूटी बिकॉज ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर. सो गाइस कल डे 2 था और वाघा बॉर्डर पे जैसे किरण ने बोला था बहुत ज़्यादा मज़ा आया है एंड बेस्ट पार्ट वॉज वहाँ पे बॉर्डर पे कोई भी नहीं था एंड वी वर लाइक एबल टू सी वाघा बॉर्डर एकदम मतलब रॉनेस में. वो जो फील मतलब एम्पी थिएटर में जो एक फील आ रही थी ना कॉन्स्टेंट हम लोग के रोंगटे खड़े हो रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था. एंड इतनी हीट के बावजूद हम लोग को हीट स्ट्रोक हो चुका था, हेडेक वगैरह हल्का हल्का हो रहा था बिकॉज द हीट वॉज अनबेरेबल. बट उसी के साथ में बाइक्स वर परफॉर्मिंग रियली वेल. एंड वन थिंग आई लाइक अबाउट मैं FZX चला रहा था कल पूरा दिन तो उसके जो ब्रेक्स हैं काफ़ी अच्छे हैं. फ्रंट ABS है और अगर मस्ती आपको करनी है तो पीछे वाला नॉन ABS है, तो कहीं पे भी अगर स्लाइड वाइड करना है तो उसके लिए परफेक्ट बाइक है. एंड हम लोग काफ़ी हाईवे टूरिंग किया इसके ऊपर एंड ये बाइक हाईवे के लिए काफ़ी अच्छी बनी बिकॉज आपका जो फुटरेस्ट है फ्रंट सेट है, अनलाइक FZS या फिर FZ25 जिनके थोड़े से आपके बॉडी के नीचे आते. तो अगर आप नए हो राइडिंग में तो FZX में आपको बहुत मज़ा आने वाला बिकॉज थोड़ा क्रूजर टाइप का उसमें फील आता है एंड वेरी कंफर्टेबल, बहुत मज़ा आता है उसमें. सो शिफ्टिंग टू दी FZS जो मैंने आपको कहा था, जब ये बाइक आई थी आई यूज टू वर्क एट बाइक इंडिया मैगजीन गोवा में इसकी राइड की थी अपनी ओरिजिनल FZ15 एंड तब से लेके आज तक इट्स सेफ टू से एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि ये बाइक अपने सेगमेंट की
सबसे बेस्ट है, टेक्नोलॉजी हो, डिज़ाइन हो, टूरिंग हो, एंड सचिन विल स्टिक टू द एफ जी एक्स एंड किरण शी इज द लाइटेस्ट ऑफ द लॉट ऑन द मोस्ट पावरफुल ऑफ द बाइक. सो लेट्स सी क्या होता है. नेशनल हाईवे नंबर 44 जम्मू के अराउंड जाता है एंड दिस मेंट नो नीड टू एंटर द सिटी. आज का डिस्टेंस वाज लेस देन 300 किलोमीटर टू श्रीनगर. तो ले 704 श्रीनगर 278 बनिहाल 169. तो जम्मू से निकल ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई है. वी माइट टेक अ क्विक स्टॉप एंड वेयर आर रेन गियर. लेट्स नॉट गेट वेट. Which could be an issue for the days ahead. Break लेते हैं यहाँ पे, अपना rain gear निकालते हैं. बारिश, ये बारिश looks beautiful but can make your riding a bit more challenging, especially जब आप हो on hilly terrains. That said, great tires, ABS and confidence from the FZ series kept us going at a good pace. So, दो दिन से मैं FZ25 पे था. आज मैं FZS पे हूँ. Instantly, yes, it's a small engine, no doubt. But from a rider's perspective, look at the tank. It feels massive. Brakes are superb, जो किरण ने भी कहा था. On day number one, किरण ने multiple times इस्तेमाल करी थी for maneuvers, emergency brakes as well. तो brakes से मैं खुश हूँ. Power ample for 150 and the riding stance sporty bhi hai yet comfortable hai. Seat se main abhi tak khush hu. Multiple tunnels on this route between Jammu and Udhampur, really engineering marvel hai. And aisi sadkon pe aisi baish chalane ke andar maza hi kuch aur hai. Barish ruk chuki hai and hopefully aisa weather rahe, because aas pass soon the clouds will be hugging the hills. That's a different feeling altogether. One more tunnel coming up. ये खत्म होगा, उसके बाद एक और आएगा. Multiple tunnels. Even though मैं FZS पे था, holding 90 plus wasn't a tough affair. ये bike was turning out to be a good combination of ergonomics, handling and performance. And then the views on this highway. A biker's paradise. Awesome roads, stunning scenery and doston ka saath. This is what we had come here for. Brilliant, absolutely brilliant. Udhampur pahunchne wale hain and yahan pe usually timings hoti hain for traffic to be left towards Srinagar. It can vary. Always keep an eye on the advisory jo JNK traffic police issue karti hai on Twitter. So ye trucks sare yahan parked hain. No idea inko kab choda jayega. उधमपुर बैरियर यहाँ से आई थिंक जस्ट 5 मिनट्स है. तो 5 मिनट्स तक शायद ये लाइन रहेगी. सो ऑलवेज की द इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड कि स्मॉल व्हीकल्स को छोड़ा जा रहा है या बड़ों को छोड़ा जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा ले के निकले यहाँ से. तो उधमपुर फोर लेन के बाद थोड़ा बहुत आज रास्ता ख़राब रहेगा फॉर अ वाइल, जो अभी शुरू हो चुका है. आई हैड पुट ऑन द गोप्रो 5 सेकेंड्स लेट. 10 seconds later, look at those views. Right side pe the clouds are hugging the hills, as I told you. This is a biker's dream. Ke aise weather ke andar barish ho chuki hai, ab sukha hai, and aise weather mein ride karna with such lovely views. Wow, bas sadak hamara saath de. Nahi bhi degi to don't worry, we have complete faith in our motorcycles. So road work is on, that's why traffic hamare side pe aa rahi hai. And aage Nihar tunnel khul chuka hai Banihal. And I'm assuming कि वो खुला हुआ है for traffic. One more engineering marvel. So थोड़ी देर के लिए रास्ता खराब रहेगा. Let's now understand how the bikes behave under such riding conditions. जम्मू उधमपुर रूट के numerous छोटे tunnels के बाद, it was time for us to enter the 9.2 kilometer long Patni Top tunnel. इस टनल ने नॉट ओनली डिस्टेंस रिड्यूस किया है बाय 30 किलोमीटर्स बट हैज गिवन द एरिया एन ऑल ईयर राउंड कनेक्टिविटी. सॉरी, मेरे गोप्रो का ऑडियो यहाँ पे काफी पुअर था एंड हेंस आई एम टॉकिंग टू यू
via this voiceover. So Rampan and Banihal ke aaspaas road work was on. Not the best of roads, but ab jaake finally tarmac aaya hai. And I said it too soon. So hide and seek ho rahi hai yahan pe of no roads and roads. But good news is gonna come our way. Tunnel Nyawala just around 5-10 minutes away. उससे डिस्टेंस भी कम हो चुका है श्रीनगर का. यहाँ से हमारा होटल इज़ 110, बट टनल के उस पार जाके इमीडिएटली डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा एटलीस्ट बाय 10-15 किलोमीटर्स. गुड रोड्स वंस अगेन, लेट्स पुश इट. दिस इज व्हाट यू डू इन अ ट्रैफिक जाम, करना पड़ता है टू कवर अप ऑन डिस्टेंस. And this massive jam continues. ये बनी हाल है, but इसके बाद the tunnel and good roads. So this is the entry towards the Banihal tunnel. हम जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं. लेफ्ट साइड पर रोड पे काम है, that's why we are this side. And आज सिर्फ ट्रैफिक छोड़ी है towards श्रीनगर, not the opposite way round. तो जो श्रीनगर से नीचे आ रहे हैं उनके ट्रैफिक नहीं छोड़ी है, but हमारे लिए सिर्फ traffic is open, the tunnel is open. The aim is to make the Jammu Srinagar stretch complete 4-lane. काफ़ी जगहों पर हो चुका है, I would say 40-50% हो चुका है. And overall roads have been improving, no doubt. And what a beautiful day to experience the tunnel. You can see clouds are hugging the hills. सुबह बारिश मिली थी, अभी mix of sun and clouds. It's a good day to experience this. कुछ दिन पहले ही खुला है, देखते हैं व्हाट आर द व्यूज लाइक एंड कितना डिस्टेंस कम होता है. गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन फॉर एनी इकोनॉमी, एनी कंट्री, एंड इंडिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैज बीन इंप्रूविंग, नो डाउट. एंड दैट इज द एंट्रेंस टू द टनल. 8.45 किलोमीटर लॉन्ग है ये. टनल के इनसाइड टेम्परेचर इज क्वाइट लो, काफी ठंड लग रही है. एंड व्हाट एन इंजीनियरिंग मार्वल. नॉर्थ इंडिया में अटल टनल हो, ये वाला हो, पटनी टॉप टनल हो, उधमपुर वाला हाईवे हो फ्रॉम जम्मू, रियली लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन रोड नेटवर्क. जर्नीज बिकम क्विकर, लेस फ्यूल इज यूज, एंड ऑफकोर्स अगर डिफेंस को यूज करना है रूट टू गो टू द बॉर्डर, इट रियली हेल्प्स अ लॉट. वाओ वाओ. सो ये वाला टनल ऑल्सो बाईपासिस द जवाहर टनल एंड हम उस साइड निकलेंगे इनटू द फर्स्ट प्रॉपर व्यूज ऑफ द कश्मीर वैली. सो एज पर द साइन बोर्ड अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर का फर्क पड़ा है, बट मोर देन दैट जो स्पीड्स हैं दे आर फास्ट, दे आर वेरी फास्ट. And all the commercial traffic has been stopped because I told you in the earlier part of the day you have to check agar vehicles allowed hai, nahi allowed hai, kis time pe allowed hai, wo check karna bahut zaruri hai. And ye shayad kal niklenge yahan se. This is a very bad way to get your luggage onto your bike if you're touring. Look at them, how the things are opening up. He is quite nervous, riding slow, but definitely not the way, guys. You should pack your stuff for a Ladakh trip. Do it properly, invest into saddlebags. So lush green fields on the left side and these huge mountains on the right side and lovely four-lane roads going into Srinagar. Aaj bhi hamara jo ending hone wala hai, it's gonna be a good note. You just feel nice as a biker. Look at this, and look at this, and of course this. Around 30 kilometers door hai Srinagar se. Well on time, well on time. Srinagar mein aapka swagat hai in this video. Just passing the cantonment area, and काफी daylight बची है. Into the hotel. Kal we'll try to leave early. जितना जल्दी निकलेंगे उतना टाइम स्पेंड करेंगे एक्स्ट्रा एट दी वॉर मेमोरियल
द रीज़न वाई वी आर डूइंग दिस राइड, कल है कारगिल दिवस एंड वो मनाएंगे एट द कारगिल वॉर मेमोरियल। श्रीनगर आओ एंड डल लेक ना जाओ। वेल, एंडिंग डे नंबर 3 एंड पार्ट 1 ऑफ अ लद्दाख एस्केप विद द यामाहा एफजी सीरीज बाय शोइंग यू द विजुअल्स ऑफ द डल लेक। एंजॉय एंड ऑफ कोर्स गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड पार्ट। टू गेट द नोटिफिकेशन, डू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट अवे।